कोरबा में एसईसीएल की रजगामार खदान प्रभावित क्षेत्र में संचालित ज्ञानदीप हायर सेकेंडरी स्कूल का बोर सबमर्सिबल पंप केबल सहित भूमिगत खदान में धंस गया। इस घटना की जानकारी जब स्कूल प्रबंधन और ग्रामीणों को हुई तो इसके बाद से वे दहशत में हैं। इस वीडियो को देखिए। कौन आज गया? भेज रहा हूँ। कौन? दस राम। अच्छा रतराम, हमें देखिए बोर है। आवाज मार होता रस्ते से। हम ऊपर ले ज्ञानदीप में हम। हाँ? का कर देगा भैया? कौन सा फेस में हवा? हाँ? दस लेवल में। अभी ब्लास्टिंग थोड़ी करिए की? अभी ब्लास्टिंग थोड़ी नहीं करिए। हाँ ये तेरा मत करिए। अब मशीन कहाँ है पूछे ना? अब मशीन कहाँ है? बोरिंग के दिखा थे? हाँ ये तीन मत कर यार, फालतू ऊपर आगे है। लाइट मार तो अंदर ऊपर कती ही मा बोर मा पानी गिरा थे। चल ठीक मार, देख रही है लाइट मार रहा हूँ। देखो लाइट, देखो लाइट, देखो देखो, हाँ दिखा थे। मारा तो ना, फोटो होते हैं। ऊपर लगा ज्ञानदीप स्कूल परिसर में लगे बोर के धसने के बाद जमीन की सतह से बोर के रास्ते भूमिगत खदान में खदान कर्मी भीतर रतराम खदान के फेस नंबर 10 से साफ बात हो रही है। उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि लोगों की दहशत कितनी है। ग्रामीणों ने एसएसएल प्रबंधन पर नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाया है। स्कूल परिसर में बोर कराया था जिसकी गहराई 120 फीट थी। माइंस में ब्लास्टिंग के कारण यह घटना होने की बात भी कही जा रही है। जहां स्कूल में घटना हुई वह क्षेत्र रजगामार के हल्का नंबर 39 में आता है। इसकी सूचना पर कलेक्टर किरण कौशल, तहसीलदार सुरेश साहू, पटवारी दामोदर प्रसाद तिवारी, रजगामार सरपंच बृज कुंवर तिवारी के साथ मौके पर पहुंच निरीक्षण किया। नियमों को ताक पर रखकर खदान प्रभावित बसाहट क्षेत्र सेफ्टी जोन में कोयला उत्खनन कराया जा रहा है। स्कूल परिसर का बोर जहां धसक गया, इस तरह की लापरवाही से आगे भी ऐसी अनहोनी हो सकती है, इसलिए प्रबंधन के अधिकारी पर कड़ी कार्रवाई की मांग ग्रामीण कर रहे हैं। कलेक्टर ने एसईसीएल के अफसरों को भी मौके पर तलब किया। उन्हें बताए गए जगहों का बारीकी से निरीक्षण किया। साथ ही एसईसीएल के जीएम व माइनिंग सिक्योरिटी ऑफिसर्स को तकनीकी नियमों को ध्यान में रखने और मापदंडों के मुताबिक खुदाई के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर के साथ पहुंचे एसईसीएल के अधिकारी ने बताया कि उनका एक माइन होल स्कूल के बोर गैलरी को छू गया था, जिसे ठीक किया जा रहा है। एसईसीएल के जिम्मेदार अधिकारी कहने से बच रहे हैं। उसमें माइनिंग डिपार्टमेंट को और ये कहा गया है कि वे डायरेक्टर जनरल माइन सेफ्टी से कंसल्ट करके टेक्निकली इसको इवेल्युएट करा लें कि कितने लेवल तक की डिगिंग अंडरग्राउंड माइन में की में परमिसिबल होगी। उस एरिया के स्ट्रेटा के हिसाब से उस हिसाब से ही आगे की जो है माइनिंग एक्टिविटी वहाँ पर की जावे, इस आशय के लिए उनको शीघ्र जो है कार्रवाई करने के लिए। न्यूज डेस्क, मीडिया फोर सपोर्ट।